कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं जो कि हमें बीच से ही पसंद आते हैं और हम अपने मनपसंद जगह से सॉन्ग को कलर ट्यून सेट नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको जो तरीका बताने वाले हैं, आप लोग उस तरीके से अपने सॉन्ग को अपने मनपसंद जगह से कलर ट्यून सेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने मनपसंद जगह से सॉन्ग को कलर ट्यून सेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो की मदद से आप लोग भी कलर ट्यून अपने मनपसंद जगह से सेट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं और ऐसे ही कलर ट्यून के वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें एक सॉन्ग पसंद है और उस सॉन्ग को हमें जो बीच का हिस्सा है वही ज़्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन वहाँ से कलर ट्यून सेट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो हम आपको अपने मनपसंद जगह से कलर ट्यून सेट करके आपको दिखाएंगे। पहले आप देखिए, ये कलर ट्यून वहाँ से सेट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है जहाँ से हम चाहते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन में जियो साउंड ऐप्स को ओपन करते हैं। जियो साउंड ऐप्स को ओपन करने के बाद दोस्तों, हम यहां पे सर्च बार पे क्लिक करेंगे और सर्च बार पे क्लिक करने के बाद हमें यहां पर अपने फेवरेट सॉन्ग को सर्च कर लेना है। तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तो हम यहां पे सर्च कर लेते हैं। देखिए, हमारा यहां पे कलर ट्यून जो है उसका सॉन्ग तो आ चुका है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे सेट एज जियो टोन का ऑप्शन दिख जाएगा। तो अब आप देखेंगे तो सिर्फ ये यहीं से सेट होगा जहाँ पर ये हमें दिख रहा है, तो इसमें कोई अलग तरीके से सेट करने का यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ से इसको सेट करेंगे तो सिर्फ यही सेट होगा। अब हम आपको जो तरीका बताने वाले हैं वहाँ से अगर आप सेट करेंगे तो आप लोग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं और अपने मनपसंद जगह से कलर ट्यून को सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउजर ऐप्स को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ऐप्स को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और सर्च बार में आपको लिखना है जियो ट्यून। जैसे ही लिख के सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको फिर से क्रोम ब्राउजर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और सर्च बार में आपको लिखना है जियो ट्यून। तो जैसे ही आप लोग जियो ट्यून या फिर जियो कलर ट्यून लिख के सर्च करेंगे, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे सेटअप योर जियो ट्यून्स का ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे सर्च बार का बॉक्स दिखेगा। आपको सिंपली सर्च बार के बॉक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च बार के बॉक्स पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सर्च बार में वही लिखना है जो कि आपने जियो साउंड ऐप्स में लिख के सर्च किया था। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे जो कि हमने आपको लिख के अभी जियो साउंड ऐप्स में दिखाया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तो जैसे ही हम लिख के सर्च करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो उसके बाद अब आप देख सकते हैं सब वही सॉन्ग हैं, उसी सॉन्ग के अलग अलग पार्ट हैं। तो हम यहाँ पर जो पसंद करते हैं है काल रात्रि, तो हमें यहाँ से पसंद है, हम यहाँ से इसको सेट कर लेंगे। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने मनपसंद जगह से कलर ट्यून को सर्च करके सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की मदद से आप लोग भी अपनी मनपसंद जगह से कलर ट्यून सेट करना सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कलर ट्यून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।